कल ही पवन सिंह का आपने एक गाना सुना होगा छठ पर, जो कि आज उसकी व्यूज़ की बात करें तो एक दिन में 3.5 मिलियन व्यूज़ पहुंच चुके हैं और सभी को उम्मीद थी कि पवन सिंह का जो भी गाना आएगा उस पर यही होगा कि व्यूज़ के तो अंबार लग जाएंगे, क्योंकि उनके फैंस काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उनके छठ गीतों का। लेकिन आपको इस छठ गीत से रिलेटेड एक बात बता दें कि ये जो छठ गीत रिलीज़ हुआ है पवन सिंह का, पिछले साल इसका ऑडियो रिलीज़ हुआ था लेकिन वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाया था। पवन सिंह के कई गाने पिछले साल रिलीज़ हुए थे, उसमें से ये गाना भी एक रिलीज़ हुआ था, उसका वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाया था। तो जिसे ध्यान में रखते हुए म्यूज़िक वाइंड कंपनी ने इसका वीडियो इस साल रिलीज़ किया है और इसका फ़ायदा उसे बहुत ही हुआ है। जी हाँ, इसका फ़ायदा उसको हुआ है और पवन का ये पहला छठ गीत आप मान सकते हैं कि इस साल का रिलीज़ हुआ है। और ये गाना पिछले साल भले रिलीज़ हुआ था लेकिन इस साल में इसका ऑडियो वीडियो के साथ इसे रिलीज़ किया गया और ये गाना सही में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, धनिया हमार नया बाड़ी हो। और आपको ये भी बता दें कि इस गाने से काफ़ी लोग यही सोच रहे हैं कि ये गाना इस साल का नया रिलीज़ है, तो नहीं, नया रिलीज़ नहीं है, गाना पुराना ही है। लेकिन लोगों को पवन की आवाज़ वैसे ही बहुत पसंद है और साथ ही पवन, आप सभी को पता है कि प्रोग्राम कर रहे हैं लंदन में जो कि छठ के मौके पर प्रसारित होगा सीधे लंदन से। तो आप सभी जो फैंस हैं पवन सिंह के, खुश हो जाइए क्योंकि पवन सिंह इस बार आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।